If you are yourself are having problems in your life, अगर आप स्वयं अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, you need to do one thing. तो आपको एक कार्य को करना है. You need to turn your attention from yourself. आपको अपने ध्यान को अपनी ओर से हटा के और your own problems और अपने समस्याओं से हटा के and look at others who are suffering. और दूसरे लोगों की ओर अपने ध्यान को लगाएं जो बहुत दुख उठा रहे हैं. Consider their suffering. उनके दुखों को आप ध्यान दें and pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें. And usually what happens when such people pray for others' problem? और अक्सर ऐसे होता है अगर ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, God will definitely hear and solve their problems. परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर उनके समस्याओं का हल कर देगा. And after you pray for such people, you give thanks and you will find God has taken care of your own problem. और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके समस्याओं को भी हल कर दिया है. You don't need to even pray. आपको इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं है. And that is the miracle of you praying for someone else who is suffering. और यही वो चमत्कार होता है अगर आप जो समस्या में हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे समस्याओं में हैं. So, praise God for that testimony, Oshin. So, परमेश्वर का धन्यवाद हो ओशीन की टेस्टिमनी गवाही के लिए. She has been praying. She was having some problems in Delhi. But then ultimately she got admission in the very college which was her dream. और बहुत से समस्याएं रुकावटें सामने आए जरूर है, लेकिन उनका जो सपना था दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्ययन करने का वो पूरा हो गया है. And शिवांगी, oh what a preacher she is. और अगर शिवांगी को आपने सुना, क्या ही प्रचारक है वो. I thought she was going to preach my message. मैंने सोचा कि वो मेरे प्रचार को करने जा रही है. That is exactly what I am going to talk to you today. और उसी विषय को लेकर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ. Not my own version. मेरा खुद का संदेश नहीं. I am preaching to you from God's word. मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा हूँ. Are you prepared and ready? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? Are you ready to hear God's word? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? It may going to hurt somebody. और हो सकता है इन बातों को सुनकर आपको चोट पहुंचे. Some people may be rebuked. हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे लगे कि उनको डांट मिल रहा है. Corrected. और उनको समझाया जा रहा, सुधारा जा रहा है. But you will be blessed if you humble yourself and accept what God has spoken. लेकिन अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे और ग्रहण करेंगे जो बातें परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, तब आप जरूर आशीष को पाएंगे. Because all of us will stand before the judgment seat of Christ and give an account. क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है. So when you stand, so जब आप खड़े होंगे, you don't have to give any account of the pastor. आपको अपने पासवान का कोई भी लेखा नहीं देना होगा. You have to give account of yourself. आपको अपना स्वयं का लेखा देना होगा. But as your pastor, लेकिन आपके पासवान होने के नाते, I am accountable to God not only for my own life, but I have to give an account of how I treated you and how I trained you, what I taught you. और पासवान होने के नाते मुझे न सिर्फ अपने खुद के जीवन का लेखा देना होगा, लेकिन हमें ये इसके लिए भी उत्तर देना होगा कि मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया है, कैसे प्रशिक्षण दिया है और कौन से बातों को बताया है. So if I don't speak what God's word teaches us, so अगर मैंने उन बातों को नहीं सिखाया जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, if I only preach things that are very soft and just से शाबाश, और अगर मैं सिर्फ उन्हीं बातों को बताऊं जो सुनने में अच्छा लगता है और जो कमजोर है, एंड इफ आई डोंट रिब्यूक यू फॉर समथिंग दैट आई न्यू यू आर डूइंग अगेंस्ट गॉड्स विल, और अगर मैं आपको
ताड़ना ना दूं उन बातों के लिए जो मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं. You know what it means? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? It means I don't love you. इसका अर्थ यही है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं. That means I let you live, go on like this, making mistake. इसका अर्थ यही है कि मैंने उन बातों को नजरअंदाज करके आपको अपने ही जीवन को ऐसे ही जीने दिया है. Ultimately, you will suffer. अंत में आप ही दुख उठाएंगे. And I am responsible. और उसके जिम्मेवार मैं रहूँगा. I don't want that thing to happen. और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हो. I speak what I speak and I speak the way I speak because I love you. जो बातों को मैं बोलता हूँ, जिस प्रकार मैं सिखाता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आप सब लोग से प्रेम करता हूँ. I don't want you to lose. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी खोएं. Like your father. मैं आपके पिता के समान हूँ. I am not like your father. I am your spiritual. मैं पिता father. के समान नहीं हूँ. मैं आप लोगों का पिता हूँ. आत्मिक पिता हूँ. I am responsible. मैं जिम्मेवार हूँ. I need to correct where correction is. जहाँ ताड़ना की जरूरत है, मुझे ताड़ना है. And I must encourage you where you need to be. और जहाँ उत्साहन देना है, वहाँ मुझे उत्साहन देना है. You know, in the Bible. Bible में. Twice in the Old Testament, God poured out His judgment upon. पुराने नियम में दो बार परमेश्वर ने अपने न्याय को मनुष्य के ऊपर अपने दंड को दिया है. First time He did it, He destroyed the entire world. पहली बार जब परमेश्वर ने किया, वो पूरे संसार को परमेश्वर ने नाश कर दिया. Except two or eight human beings. और सिर्फ आठ लोगों को छोड़कर. And some animals. और कुछ जानवरों को जो परमेश्वर ने चुना. बस. Otherwise, the entire humanity was destroyed. बाकी सारे मानव को वो सब नाश हो गए. Every creature, every creation, everything was destroyed. हर एक सृष्टि, हर एक प्राणी, हर एक जानवर, वो सब नाश हो गए. That was the first time. ये पहली बार था. The second time. और दूसरी बार. The whole world was not involved. पूरा संसार इसमें शामिल नहीं हुआ. Two cities. दो शहर. The entire city and all its surrounding पूरे areas. पूरे शहर और उसके आसपास भी जितने लोग थे. Sodom and Gomorrah. Sodom और Gomorrah. God's judgment came very severely. परमेश्वर का न्याय का दंड उनके ऊपर बहुतायत से आया. Nothing was left. कुछ भी बचा नहीं था. Thousands of people. हजारों लोग. And every living creature. और हर एक जीवित प्राणी. As the first time judgment was by flood. पहली बार जब न्याय आया, वो बहुत बड़े बाढ़ से आया. You remember that? आपको याद होगा. Who was saved? और कौन बच गए उसमें? Noah and his family. नूह और उनका परिवार. And the second time the destruction was by fire. और दूसरी बार जब दंड आया, वो आग के समान उतरा. Sodom and Gomorrah. Sodom और Gomorrah के ऊपर. And what was left of these two cities were just ashes. और इन दोनों शहर में जो बचा, वो सिर्फ राख था. And both the time. और दोनों समय. The reason for such judgment was. और ऐसा दंड आने का जो कारण था वो ये था. That the wickedness and the sin of the world in the beginning, first the world was so great that their wickedness and sin reached heaven. पहली बार जब दंड आया तो मानव का जो दुष्टता था, मानव का जो पाप था, वो इतना चरम सीमा तक पहुंच गया कि बिल्कुल स्वर्ग तक पहुंच गया. They crossed all the boundaries. सारे सीमाओं को तोड़कर स्वर्ग तक पहुंच गया. And no shame. कोई शर्म नहीं रह गया था. Openly. अब खुलेआम. People doing ungodly, wicked, dirty things. लोग ऐसे गंदे कामों को, बुरे कामों को और पापी कामों को कर रहे थे. Both the time. दोनों समय. Now, और अब. What is the condition of the world? इस संसार का स्थिति क्या है?
If your eyes are open, अगर आपके आंखें खुले हैं, and your ears are open, और आपके कान खुले हैं, you know what is happening. आप जानते हैं कि चारों ओर क्या हो रहा है. Shamelessly, people are engaged, involved in all kinds of dirty, kind of sinful, wicked things. और बिना शर्म के खुले आम लोग ऐसे गंदे-गंदे कार्यों में लगे हुए हैं. That it is reaching heaven. कि अब वो स्वर्ग तक पहुंच रहा है. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Noah's time, नूह के समय में, God gave them 120 years to repent. परमेश्वर ने मनुष्य को 120 वर्ष इतना समय दिया उनको पश्चाताप करने But के लिए. Nobody listened. लेकिन किसी ने भी नहीं सुना. Noah's preaching, nobody repented. नूह का जो प्रचार है उसका उत्तर किसी ने नहीं They दिया. made fun of him. उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया. They laughed at him. वो हंसने लगे. And then when he began to make the boat, और फिर जब नूह उस नाव को बनाने लगा, by the command of the Lord, परमेश्वर के आज्ञा से, they looked at him. वे लोग नो की तरफ देखने and लगे they talk to each other, और अपने आपस में बात करने लगे and then coming and laughing at him, और फिर नो के सामने आकर हंसी मजाक उड़ाना अरे देखो देखो ये बुड्ढा क्या करे पागल हो गया है क्या ये बोट क्या के लिए बना रहे those days there was no rain. उन दिनों में ऐसे वर्षा नहीं हुआ करता था तो so, लोग नहीं जानते थे ये नाव क्या है मजाक उड़ाने लगे ये क्या बना रहा है नो फ्लड कोई बाढ़ नहीं पीपल डिड नॉट नो व्हाट रेन वाज लोग नहीं जानते थे कि बारिश क्या होता है एंड दिस मैन वाज मेकिंग अ बोट और ये व्यक्ति जो है एक नाव को बना रहा है एंड ही वाज प्रीचिंग एट द सेम टाइम और उसी समय वो प्रचार भी कर रहा था फ्लड्स आर कमिंग कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है रिपेंट पश्चाताप करो सेव योरसेल्फ मन फिराओ दोस हु वांट टू बी सेव्ड गेट इनटू दिस बोट जो लोग बचना चाहते हैं उस इस नाव के अंदर आ जाओ एंड दे लाफ्ड एट हिम लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाने लगे But then the day came. लेकिन फिर वो दिन आया. Everything God decided went inside the boat. और जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, जानवरों को चुना, वो सब नाव के अंदर चले गए. Noah and his wife and the three sons and three daughters-in-law. और नूह और उनकी पत्नी, तीन बेटे और उनके पत्नियां. And all the animals God chose. और जितने भी जानवरों को परमेश्वर ने चुना. And the There was one special thing about that boat. There was only one entrance. और उस नाव के विषय में एक विशेष बात थी और वो ये था कि द्वार एक ही था. Only one room, one door. सिर्फ एक ही द्वार था. And that door was shut. और वो द्वार फिर बंद हो गया. You know who shut the door? आप जानते हैं उस द्वार को किसने बंद किया? Not Noah. नूह ने नहीं बंद किया. If Noah had shut the door, you know, man could have opened it. अगर नूह ने उस द्वार को बंद किया होता तो मनुष्य उसको खोल सकता था God himself shut the door. लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उस नाव के द्वार को बंद किया And the rain started falling. और फिर बारिश गिरने लगा And the rain came. बारिश आई 40 days and 40 night non-stop heavy rain. 40 दिन और 40 रात बिना रुके भारी बारिश नॉट ओनली रेन वॉज कमिंग फ्रॉम हेवन न सिर्फ ऊपर से वर्षा आ रही थी बट ऑल द स्ट्रीम्स एंड एवरीथिंग वॉज ओपन्ड अप फ्रॉम अंडरनीथ द अर्थ लेकिन जितने भी नदियां थे और तालाब थे वो सब नीचे से भी खुलने लगे सो जजमेंट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हेवन एंड ऑल्सो फ्रॉम अंडर सो न्याय जो है ऊपर स्वर्ग से उतरने लगा और नीचे से भी slowly the boat raised up in the water और धीरे धीरे वो नाव फिर पानी के ऊपर चढ़ने लगा and at that time उस समय what do you think what was happening आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा था all this crowd ये जितने भी भीड़ था they all came around the boat वे सब नाव के चारों ओर आ गए banging the door खटखटाने लगे Noah open the door नूह दरवाजा को खोलो we want to repent हम पश्चाताप करना चाहते हैं we want to come inside हम अंदर आना चाहते हैं but it was too late लेकिन बहुत देर हो चुकी थी they all perished वे सब नाश हो गए don't Take the warning of God given in His Word very lightly and laugh at it. परमेश्वर का चेतावनी जो परमेश्वर के वचन में दिया है उसको हल्के रूप से ना ले और हंसी मजाक ना उठाएं. Take it seriously. इसको बहुत गंभीरता से ले. Sodom and Gomorrah the same thing. Sodom और गोमोरा ऐसे ही हुआ.
What is happening now? और आज क्या हो रहा है? Do you look around? चारों ओर देखें. The sin and wickedness of people have gone so high. पाप और मनुष्य का दुष्टता इतना ऊंचा पहुंच गया है. The time is near. समय बहुत निकट है. Very soon. बहुत ही जल्द. The judgment of God is going to fall. परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है. The nations of the world. पर इस संसार के राष्ट्र. When it comes from heaven. जब स्वर्ग से उतरेगा. Who can save anybody? तब कौन किसको बचा सकता Nobody है? Nobody can escape. कोई भी बच नहीं सकता है. The time is close. वो समय बहुत निकट आ रहा है. We don't have very many more days to live. ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं. But before that happens, लेकिन इससे पहले ऐसा हो, Jesus is coming for the church. यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए आ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Just like he saved and protected Noah. और जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को बचा के रखा, and just like God protected Lot from Sodom and Gomorrah. और जिस प्रकार परमेश्वर ने लूत को सोदोम और गोमोरा से बचाया, God will protect the church. परमेश्वर अपने कलीसिया को बचाएगा. The church will be gone. कलीसिया यहां से चला जाएगा. Please be ready. आप तैयार हो जाएं. Ready to meet the Lord. आप तैयार हो जाएं प्रभु से मिलने के लिए. No one can save you from the judgment that is. कोई भी आपको परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकता है. I want you to open your Bibles to 2 Corinthians chapter 6. अपने बाइबल को खोले दूसरे कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय. माय सब्जेक्ट इज स्पिरिचुअल सेपरेशन फॉर बिलीवर्स. मेरा विषय यही है कि आत्मिक अलगाव विश्वासियों के लिए. देयर इज अ टीचिंग इन द बाइबल कॉल्ड देयर आर सो मेनी टीचिंग अबाउट गॉड टीचिंग अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. बाइबल में बहुत से सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के चरित्र के विषय में. अबाउट द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के ऊपर. अबाउट द होलीनेस पवित्रता के ऊपर. एंड अबाउट बिलीवर्स और विश्वासियों के ऊपर. एंड हाउ दे शुड लिव कैसे विश्वासियों को जीना है. एंड अबाउट आवर इटर्नल लाइफ और हमारे अनंत जीवन के विषय में. ये सब सिद्धांत बाइबल में है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत इज और उनमें से एक सबसे महत्व सिद्धांत यही है सेपरेशन अलग होना. सेपरेशन अलग होना. बिलीवर्स सेपरेशन विश्वासियों को अलग होना. फ्रॉम द वर्ल्ड इस संसार से. फ्रॉम द फैशंस ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के तौर तरीकों से. फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के अभ्यासों से. फ्रॉम द हैबिट्स ऑफ वर्ल्ड इस संसार के आदतों से. एंड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के शिक्षाओं से. वी मस्ट सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस. हमें अपने आप को इन सब से अलग करना है. एंड वी आर सेपरेटेड अनटू गॉड और फिर हम परमेश्वर की ओर हम चले जाते हैं. And we are separated to be holy. हम अलग किए जाते हैं पवित्र बनने के लिए. We are to be sanctified. हमें शुद्ध होना है. And sanctification means separation. शुद्धिकरण का अर्थ यही है कि अलग होना. And so we want to read this passage. तो हम इस भाग को पढ़ेंगे. If you are a regular reader of God's word, अगर आप लगातार रोज बाइबल को पढ़ते हैं, you must have read this passage many times. आपने इस भाग को बहुत बार पढ़ा होगा. But when you read, और जब आप पढ़ते हैं, you don't think much about it. इसके विषय में आप ज्यादा सोचते नहीं. It है. is a religious book. ये एक धार्मिक एक पुस्तक है. So I'm a Christian. So मैं एक मसीह हूँ. So I must read. So मुझे पढ़ना जरूरी That's है. All. बस इतना we ही. We don't think about what we read. जो हम पढ़ते हैं उसके विषय में सोचते we नहीं हैं. We don't practice what we read. और जो हम पढ़ते हैं उसका अभ्यास भी नहीं That करते हैं. That is not Christianity. ये मसीहत नहीं है. Please understand. इस बात को समझ ले. It is not a religious book. ये एक धार्मिक पुस्तक नहीं है. Christianity is not a religion. मसीहत जो है कोई धर्म नहीं है. I am not a religious man. मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ. What am I? मैं क्या हूँ? I am a disciple of Jesus Christ, following His footsteps. मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, उसके पदचिन्हों में मैं चल रहा हूँ. I am not a religion. I don't have a religion. मेरा कोई धर्म नहीं है. Christianity is not religion. मसीहत कोई धर्म नहीं है. And nowadays, I think they are getting rid of that question.
और आजकल शायद उस प्रश्न को ही हटा रहे हैं. Which is a good thing. जो अच्छी बात है. But in case if somebody asks, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, What religion you belong to? कि आप कौन से धर्म के हैं? Say safely you can say I have no religion. So आप इस बात को कह सकते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है. Then what are you? तो फिर आप क्या हैं? I am a follower of the Lord Jesus Christ and a worshipper of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह का एक चेला हूं और उसके पीछे चलता हूं. Jesus did not found a religion. यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने नहीं आए. He came to save me. यीशु मसीह मुझे बचाने आए. Save me from my sin. मुझे अपने पापों से बचाने आया है. Make me a new creation. मुझे एक नई सृष्टि बनाने आया है. And give me eternal life. और मुझे अनंत जीवन देने आया है. Hallelujah. That is why born again Christians are different people. और इसलिए नए जन्म पाए हुए जो विश्वासी हैं वो बिल्कुल अलग हैं. Separated. वे अलग किए गए लोग हैं. From this world. इस संसार से. Hallelujah. Hallelujah. We are special. हम विशेष लोग हैं. We don't belong to this world. हम इस संसार के नहीं हैं. Our home is in heaven. हमारा घर जो है वो स्वर्ग में है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are expecting Jesus to come and take us. और हम आशा रख रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आएंगे. Hallelujah. हमें अपने पास ले जाएंगे. Bible is the first one to call us. We are all aliens. Bible नहीं सबसे पहले हमें परदेशी बुलाया. We are strangers. हम अजनबी हैं. We are pilgrims. हम तीर्थ यात्रा पर हैं. And we are going back to where we have come from. और जहां से हम आए हैं हम वहां वापस लौटने जा रहे हैं. Hallelujah. Where have we come from? हम कहां से आए हैं? Life came from, spirit came from God. और आत्मा और जीवन परमेश्वर की ओर से आया है. And it will have to go back to God. और हमें वापस परमेश्वर के पास ही लौट. Hallelujah. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Get ready for that. तो फिर तैयार हो जाए उस दिन के लिए. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. God is good. परमेश्वर भला है. Let us read this passage. हम इस भाग को पढ़ें. Second Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय 14 से 18 पद. असमान जुए में ना जुतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. आमेन. व्हाट इज हु सेज दिस द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी और ये शब्द किसके हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु के. व्हाट इज ही सेइंग यहां पर क्या लिखा है. ही इज सेइंग ही वांट्स टू लिव विथ अस. परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे मध्य में रहना चाहते हैं. Oh, how many of you want God to live आप में से with कितने you? लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में रहे. मन में नहीं हमारे हमारे मध्य में. हाँ हमारे साथ. Do you want God to live with you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ जिए. No matter what happens in life, if God is with me, I am not afraid. और चाहे इस जीवन में कुछ भी हमारे साथ घट जाए, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ है, तो कोई बात नहीं. So, sister, I want you to be encouraged by this thought. No matter what problems you are facing. So, बहन आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं क्यों ना आए हो. If you know that God is with you, अगर आप जानते हैं कि प्रभु आपके साथ है, that is enough for you. तो इतना काफी है. All things will go well with God present with you. सारे बातें जो है वो सब सही हो जाएंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है. Amen. Amen.
That's why we want God to be with us. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में रहे. And then God says, I want to walk among you. और फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में चलना चाहता हूँ. He is with you. वो आपके साथ है. He is in you. आपके अंदर है. And then He wants to walk with you. और फिर आपके साथ चलना चाहते हैं. Wherever God leads you. जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे. Don't be afraid to go there. आप डरे नहीं वहाँ जाने के लिए. Because when God leads, क्योंकि जब परमेश्वर अगुवाई देते हैं, He is not going to lead you into hell, into any ditch. तो परमेश्वर आपको नरक या किसी गड्ढे में नहीं अगुवाई करेगा. He will take you safely to the right place. परमेश्वर आपको सुरक्षित सही स्थान तक पहुंचाएगा. Amen. Amen. He will not lead you into any danger. परमेश्वर किसी खतरे की ओर आपकी अगुवाई नहीं करेगा. एंड गॉड डस नॉट प्रॉमिस यू दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम. और परमेश्वर ये भी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि कोई समस्या नहीं आएगा. He said, You will have problem. परमेश्वर कहते हैं कि समस्याएं जरूर आएंगी. You will have tribulation. हाँ, अकाल जो है बहुत आएगा. But don't be afraid. लेकिन आप डरे नहीं. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. That's what we want. और यही हम चाहते हैं. And then he says. और फिर परमेश्वर कहते हैं. I want to be your father. मैं तुम्हारा पिता बनूंगा. Wow. He wants to be our God. वो हमारा परमेश्वर बनना चाहते हैं. This God wants to be our father. ये परमेश्वर हमारा पिता बनना चाहता है. Wow. You know, I grew up in a very very what do you call a remote village. और मेरी परवरिश जो है एक बहुत भीतर एक गांव में हुआ. And from those days there is no road, pakka road like this. उन दिनों में ऐसे पक्का सड़के नहीं हुआ करते थे. All कच्चा कच्चा road. सारे कच्चे सड़के थे. And from the road to my house. और main road से लेके मेरे घर तक. About a half a kilometer. लगभग आधा किलोमीटर है. And the what we have a passage very narrow. और जो गली है वो बहुत सकरा है. Two people could not walk side by side. और दो लोग भी एक साथ नहीं चल पाते थे. And especially if it is dark. विशेष तौर से अगर अंधकार हो. We used to be very scared. अगर अंधेरा हो जाता था तो हम बहुत डर जाते थे. To walk alone is very dangerous. और अकेले चलना हम बहुत डरते थे. Because sometimes you will never know from where a snake comes. क्योंकि आप नहीं जानते कहां से कोई सांप आ जाए. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. And especially in the dark. विशेष तौर से अंधेरा में. But there are sometimes. लेकिन कभी कभी. We are not at all afraid. हम कभी नहीं डरते थे. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because our father goes before. क्योंकि हमारे पिता जो है हमारे आगे जाते थे. He walks ahead of us. वो हमारे आगे होते थे. And he will have a torch. और उनके पास एक टॉर्च हुआ करता. And so in that light, so उसके रोशनी में, we don't think any danger. हम किसी खतरे के विषय में सोचते भी नहीं थे. We are not afraid. Dangerous things are there, but we are not afraid. खतरनाक बातें तो थे लेकिन हम कभी डरते नहीं थे. Why? क्यों? Because we know who is with us. क्योंकि हम जानते थे कि हमारे साथ कौन है. I am walking with my father. मैं अपने पिता के साथ चल रहा हूँ. Amen. Amen. And if God Himself is with us, और अगर परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है, then this God is our father. तो फिर ये परमेश्वर हमारा पिता है. Wow. What danger should be afraid of? Nothing. तो फिर किस खतरे से हमें डरना है? कुछ नहीं. So shall we thank God for our heavenly Father? So हम परमेश्वर को धन्यवाद दे हमारे स्वर्गीय पिता को. Praise the Lord. The passage we read, और जिस विषय को हमने पढ़ा है, you all have read. आप सब ने इसको सुना. What is the call of God? परमेश्वर का बुलाहट क्या है? The call of God says, if you want me to be your God. और परमेश्वर कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूं. एंड इफ यू वांट मी टू वॉक अमंग यू. और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे बीच में चले. एंड इफ यू वांट टू बी विथ यू. और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ रहे. एंड इफ यू वांट मी टू कंसीडर यू एज माय सन्स एंड डॉटर्स. और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को अपना पुत्र और पुत्रिया समझूं. कम आउट. तो फिर निकल के आओ. कम आउट फ्रॉम देम.
उनके बीच में से निकल के आओ. Be separate. अलग हो जाओ. From whom? किसके बीच में से? From unrighteousness. अधर्मियों से. From wickedness. दुष्टता से. From having fellowship with this world, this dark world. इस अंधकार भरे संसार के से संगति रखने से. There is no relationship between idols and the living God. मूर्तियों और जीवित परमेश्वर के बीच में कोई संबंध नहीं है. No agreement between the temple of God and idols. और कोई सहमति नहीं है परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के बीच में. And who is the temple? और मंदिर कौन है? We are the temple of God. हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं. In whom God lives. जिनमें परमेश्वर वास करता है. And therefore, और इसलिए, come out from such people. उनके मध्य में से बाहर निकलो. And be separate. और अलग हो जाओ. This is a call of God for God's people. ये परमेश्वर का पुकार है परमेश्वर के लोगों के लिए. That means, इसका अर्थ यही है. You cannot participate in anything that they do. आप उनमें उन चीजों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं जो संसार करते हैं. There is nothing common. और कोई समानता नहीं है. You have come out. आप अलग हो गए हैं. Separate yourself. आप बाहर निकल के आए हैं. अपने आप को अलग किए. There are so many festivals. बहुत से ऐसे so many celebrations. उत्सव मनाए जाते हैं. It doesn't mean that you also have to go and participate in all these things again and again and again even after believing in Jesus. और इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने भी festivals होते हैं सब में जश्न बनाने के लिए आपको उसमें शामिल होना है. And unfortunately, so many believers are doing. लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से विश्वासी उनमें शामिल हो जाते हैं. And you don't feel anything. और कुछ महसूस नहीं होता है. You don't know what you are doing. आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. You are participating in something that God has forbidden. आप उसमें शामिल हो रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने मना किया है. And God says, और परमेश्वर कहते हैं out from among कि तुम उनके बीच में से निकल के आओ. And be separate. और अलग हो जाओ. You have to be a separated, you are different. आपको अलग होना है. आपको विशेष होना है. In God's eyes, परमेश्वर की दृष्टि में people are divided into two categories. लोग जो है दो हिस्सों में बटे हुए हैं. Number one, पहली बात, those who are in Christ, वे लोग जो मसीह में पाए जाते and those हैं, who are without Christ, और वे लोग जो मसीह के बगैर हैं, those who are in Christ, जो मसीह में हैं, are those who have a right relationship with God. वे लोग हैं जो जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है. And those who are without Christ, और जो लोग मसीह के बगैर हैं, they have no relationship with उनका Christ. कोई भी रिश्ता नहीं है मसीह के साथ. I don't say Christian religion. Christ, you may be a member of Christian religion. और हो सकता है आप ईसाई धर्म के हो. But if you don't have a personal relationship with the Lord, लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है इस जीवित परमेश्वर के साथ, you don't belong to God. तो फिर आप परमेश्वर के नहीं हैं. So these are the two categories. ये दो तरीके के लोग हैं. And the present passage is. और इस भाग में ऐसे लिखा है. To encourage true believers in Christ, जो सच्चे चेले हैं मसीह में, who know Christ to Christ, they encourage you to trust Jesus Christ to keep you from the corrupt world. और आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें कि इस भ्रष्ट संसार से आपको सुरक्षित रखे. And it is a call to separate yourself. और ये एक बुलाहट है आपको अलग करने के लिए. Protect yourself from any voluntary close relationship with the world. और आपको सुरक्षित रखने के लिए इस भ्रष्ट संसार से. No partnership. और कोई भी पार्टनरशिप नहीं no होना चाहिए. No association with unbelievers. अविश्वासियों से कोई संबंध नहीं रखना है. Because such relationships can compromise and corrupt your relationship with God. क्योंकि ऐसे रिश्ते रखने से आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो भ्रष्ट हो सकता है और मेल मिलाप हो सकता है. Why? क्यों? You are chosen. आप चुने गए हैं. For what? किस कारण से? To be what? क्या बनने के लिए? You are chosen to be. आपको चुना गया है. You are chosen to be holy. आप चुने गए हैं पवित्र बनने के लिए. Now that is not my word. ये मेरे शब्द नहीं है. That is God's word. ये परमेश्वर का वचन है. You are chosen. आपको चुना गया है.
You are chosen to be holy. आपको चुना गया है पवित्र बनने के लिए. And holy means separate. और पवित्र बनने का अर्थ यही है अलग होना. There is no compulsion. इसमें कोई दबाव नहीं है. If you don't want to be holy, don't have. अगर नहीं चाहते हैं पवित्र बनना, आप ना बने. That is up to you. ये आपके ऊपर है. That choice is up to you. ये चुनाव आपके ऊपर है. But if you want to belong to Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बनना चाहते हैं, and you surrender your life to him, और आप अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, and acknowledge Christ as your Lord and Savior, और यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, then he accepts you. तब वो आपको ग्रहण करता है. So you are accepted that you may be holy. और इसलिए ग्रहण करता है ताकि आप पवित्र बन जाएं. So you must avoid anything, any relationship, any kind of friendship that will not help your relationship with Christ. So आपको कोई भी ऐसे संबंध, कोई भी ऐसे रिश्ता या मित्रता को हटाना है अगर वो ऐसे संबंध से परमेश्वर के रिश्ता के बीच में आता है. This rule must be applied in your any other relationship like having friendship. If, for example, marriage. Having friendship with someone who does not share your conviction and your faith. और ये नियम जो है हर एक रिश्ते में होना चाहिए. उदाहरण के लिए विवाह के संबंध में आपका विवाह ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए जिसका विश्वास आपका विश्वास नहीं है. So relationship can be applied in all these marriage. So, ये नियम जो है हर एक संबंध में जैसे विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप या कोई भी व्यवसाय में पार्टनरशिप जो होता है. सीक्रेट एंड क्लोज रिलेशनशिप्स या तो कोई गुप्त ऐसे रिश्ता या मित्रता आप निभा रहे हो. ऑल आवर रिलेशनशिप्स मस्ट बी बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी. ये सारे रिश्ते जो है इस सब का आधार हमारा पहचान होना चाहिए. What is our identity? हमारा पहचान क्या है? First Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस 2:9. Read it. इसको पढ़ें. Or I say, whether marriage relationship, चाहे ये वैवाहिक संबंध क्यों ना हो, business partnership, या व्यवसाय का संबंध क्यों ना हो, friendship, या मित्रता हो, everything. हर एक बात जो है has to be centered around our identity. ये सब हमारे पहचान के आधार पर होना चाहिए. Who are we and what are we? हम कौन हैं, हम क्या हैं? Read it. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज. Yeah. What are we? हम क्या हैं? We are. वो सब लोग बोलिए ना. आई मीन दोज हु डू नॉट नो व्हाट इट मींस डोंट स्पीक. और जिसको इसका अर्थ नहीं समझ में आता है आप ना बोले, लेकिन जो लोग जानते हैं आप बोले. बट इफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस यू से आई एम अ चोसन. लेकिन जो समझते हैं आप कहे हम एक चुने हुए वंश हैं. ऑल ऑफ यू सिटिंग अपस्टेयर आर यू सेइंग इट. ऊपर जो लोग बैठे आप बोल रहे हैं. व्हाट आर यू? आप क्या हैं? ऑल योर रिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी. और आपके सारे संबंध जो है इस पहचान पर आधारित होना चाहिए. एंड देन व्हाट? और उसके बाद और राज पद्धारी याजकों का समाज. दैट्स व्हाट यू आर. आप यही हैं. You are what? You are a royal priesthood. आप क्या है? आप राजपद्धारी याजकों का समाज. याजकों का समाज. और कैसे राजकीय? कैसे समाज? राजकीय. रॉयल्टी. यू आर किंग. आप राजा हैं. एंड यू आर याजक. That is your identity. और याजक है, यही आपका पहचान है. And then thirdly, और तीसरी बात, पवित्र लोग. पवित्र लोग. Now all of you understand what this pavitra mean. If you know Jesus Christ, you are His worshipper, His follower, then you belong to this holy
और अगर आप यीशु को जानते हैं, उसके चेले हैं, उसके पीछे चलते हैं, आप जानते हैं ये पवित्रता क्या है। Everybody shout, I am holy. हर एक जन कहे मैं पवित्र हूं। Only 15 people are पवित्र, इतना लोगों से बीच में। How about the rest? अरे don't be ashamed to shout, I am holy if you are really holy. अगर आप पवित्र हैं तो लज्जाए नहीं चिल्लाने से कि मैं पवित्र हूं। I am chosen to be holy. और मैं चुना गया हूं पवित्र बनने के लिए। Come on, everybody say it together. You are chosen to be holy. आप चुने गए हैं पवित्र बनने के लिए। Holy means to be separated. पवित्रता का अर्थ यही है कि अलग होना। And then next, और उसके बाद, God special people, परमेश्वर की निज प्रजा, you are special, आप विशेष हैं, there is no people under the sun like you, और इस सूर्य के नीचे आप समान कोई दूसरा नहीं है, you are God's own chosen people, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, you are royal priesthood, राजपद्धारी याजकों के समान, you are holy nation, आप पवित्र राष्ट्र हैं, you are God's own special people, और परमेश्वर के निज प्रजा हैं, and what is the purpose, और इसका उद्देश्य क्या the है, the purpose is to declare God's excellencies, God's majesty, God's glory, God's greatness. और इसलिए और किस कारण से, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें, उसके महिमा के स्तुति और स्तुति गानों को गाएं। That is what you are. यही आप हैं। All your relationship should be based on this. और आपके जितने भी संबंध है उसका आधार यही होना चाहिए। That is not happening now. लेकिन आजकल हम ये नहीं देख रहे हैं। It is so sad to see Christian young people are now marrying anybody and anybody. बहुत दुख की बात है कि आजकल जो है जो मसीह युवक है वो किसी से भी शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। You are throwing away your identity. आप अपने पहचान को गवा रहे हैं। You are walking away from your high position. आप अपने ऊंचे स्तर से आप उसको छोड़कर आप जा रहे हैं। Like Esau. जैसे ईसाउ, he sold his birthright to his younger brother. उसने अपने हक को, अधिकार को बेच दिया अपने छोटे भाई को। You are selling your high position in Jesus Christ for the sake of a girl or a boy. और आपका जो ऊंचा पदवी है यीशु मसीह में, आप उसको बेच रहे हैं किसी लड़के या लड़की के लिए। God is able to provide. परमेश्वर योग्य है आपके लिए उपाय करने के लिए। Why don't you trust God? आप क्यों ना परमेश्वर पर भरोसा रखें? Believe. विश्वास करें। Have that determination. और वो दृढ़ता होना चाहिए। You know, we have to deliberately make a choice. और जानबूझ के हमें ये चुनाव को करना है। Separate ourselves. अपने आप को अलग करना है। Spiritually. आत्मिक रीति से। Morally. नैतिक रीति से। Separate ourselves. अपने आप को अलग करना है। We have to walk away from unholiness and walk into holiness. हमें अपवित्रता से दूर होना है और पवित्रता के निकट आना है। There must be persistence in our conviction. और लगातार हमारे विश्वास में हमें उसमें दृढ़ खड़े रहना है। We must determine in our heart. हमें अपने हृदय में ये निश्चय करना है। Joseph, यूसुफ को ले। In the land of Egypt. उस मिस्र देश में। Daniel. Daniel in the land of Babylon. Babylon के देश में। Joseph was sold as a slave. यूसुफ को एक गुलाम के तरह उसको बेचा गया। And Daniel was taken as a captive. और दानियल को भी एक गुलाम के तरह ले जाया गया। Both of them were teenagers. और वो दोनों जो है अपने किशोर अवस्था में थे। Joseph was only about 17 years old. और यूसुफ जो था वो सिर्फ 17 वर्ष का था। He was sold to Egypt. उसको बेचा गया मिस्र देश में। As a slave to a master. और एक गुलाम के तरह। You know where he ended? आप जानते हैं वो कहां पहुंच गया? Anybody remembers? किसी को याद है? He became prime minister.
He became the second ruler after the king. वो अंत में राजा के बाद दूसरे स्थान पर वो पहुंच गया. And the king himself said, और राजा ने स्वयं इस बात को कहा, I will be only for namesake king. और मैं राजा सिर्फ नाम के लिए हूं. But you will be in charge of Egypt. लेकिन तुम जो हो पूरे मिस्र देश के बातों को देखोगे. You will make all the decisions. तुम सारे निर्णयों को लोगे. You will implement all the decisions. तुम सारे बातों को लागू करोगे. And everything is in your hand. सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. Everybody has to bow before you. सबको यूसुफ के सामने झुकना है. A slave. एक गुलाम. Now is the second powerful man. लेकिन अब जो है मिस्र देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. You know how it happened? आप जानते हैं ये सब कैसे हो गया? Joseph had gone through terrible situations in life. यूसुफ जो है अपने जीवन में बहुत से भयानक स्थितियों से गुजरा है. He was a slave. वो एक गुलाम था. Working for a master. एक स्वामी के लिए काम कर रहा था. Then he was accused of a sin, a wrong that he never committed. और फिर उसके ऊपर एक ऐसा दोष लगाया गया जो गलत काम उसने कभी किया ही नहीं. He ended in prison. फिर अंत में उसको जेल जाना पड़ा. He was a prisoner. वो एक कैदी बन गया. And it was while in prison. और जब वो कैद में ही था. God elevated him. परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया. And became the prime minister of Egypt. उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया. You know why? आप जानते हैं क्यों? He fought against sin. उसने पाप के विरोध में वो खड़ा हो गया. He fought against compromising. और किसी बात में समझौता करने के से वो खड़ा हो गया. A powerful, beautiful woman was provided to him by the devil. और शैतान द्वारा ये सामर्थी स्त्री जो है उसके सामने आ गए. And she was so much attracted. Her husband was one of the highest officials in Egypt. और उनका पति जो था वो मिस्र देश में बहुत ऊंचा अधिकारी था. और वो बहुत सुंदर थी दिखने में. And this lady was attracted to Joseph because he was very handsome and he was strong and he was tall and he was everything that a woman look for. और ये स्त्री जो है यूसुफ के तरफ आकर्षित होने लगी क्योंकि यूसुफ जो था वो दिखने में अच्छा था, तंदुरुस्त था और अच्छा ताकतवर था. Every day. और प्रतिदिन. Not one or two days. एक या दो दिन नहीं. I do not know how many weeks or how many months. मुझे नहीं मालूम कितने हफ्ते या कितने दिन तक यह चला. But the Bible says. लेकिन बाइबल बताती है. Day after day. कि दिन पर दिन हर प्रतिदिन. Monday through Sunday. और सोमवार से लेके रविवार तक. Every day. हर एक दिन. This woman will come. ये स्त्री आती थी. Because the master has given everything in his hand. क्योंकि स्वामी ने सब कुछ वो उस घर में सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया था. At that time, Swami will go to his office. और दिन के समय में स्वामी अपने दफ्तर जाते थे. All the servants will go to the field. और सारे दास जो थे अपने कार्य में लगे रहते थे. Joseph was the manager, he would be at home making his account. और यूसुफ जो था पूरे घर के कामों को देखता था. That was the time this woman will come. और ऐसे समय में ये स्त्री आई यूसुफ के पास. Came in the morning and at noon. सुबह को आती थी, दोपहर को आती थी. Day after day. और प्रतिदिन. Many days. बहुत दिनों तक. At the end, Joseph looked into her eyes and she said. और हमेशा यूसुफ ने उनके आंखों में आग देखकर उन्होंने इस बात को कहा. I am not lying with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा. Because of two reasons. दो कारणों से. I fear God. मुझे परमेश्वर का डर है. Hallelujah. Hallelujah. Why should you avoid sin? और आप क्यों पाप पाप से अलग होना है? Because of a fear of God. क्योंकि परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए. But today there is no fear of God. लेकिन आज परमेश्वर का भय नहीं है. It is very sad. ये बहुत दुख की बात है. So many Christian boys and girls. बहुत से मसीही लड़के और लड़कियां. They are committing adultery. वे व्यभिचार करते हैं. And they are ruining their life. अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं. And yet they go to church. और फिर भी वो कलीसिया में आते हैं. They sit in the church. कलीसिया में बैठते हैं. They raise their hands. अपने हाथों को उठाते हैं. And they sing. और गीतों को गाते हैं. And they even take communion. और फिर प्रभु भोज भी लेते हैं. Why? क्यों? No fear of God. परमेश्वर का डर है ही नहीं. People, जवान लोग, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, nobody may know it.
कोई भी इस बात को ना जाने। Your parents don't know. आपके माता पिता भी ना जानते हो। Your friends don't know. आपके मित्र भी नहीं जानते हो। Remember, लेकिन याद रखें, God sees it, he knows it. परमेश्वर सब कुछ जानता है। God will not do anything. परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। That's what you want to do, you do. जैसे आप करना चाहते हैं आप करें। God is not going to stop. परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, God does not want me to do it, he must stop. अगर परमेश्वर नहीं चाहते मैं इस काम को करूं तो परमेश्वर मुझे रोकेगा। He will not stop. परमेश्वर नहीं रोकेगा। I am talking about believers. मैं विश्वासियों के विषय में बोल रहा हूं। He will not come and stop you. परमेश्वर आकर आपको रोकेगा नहीं। You cannot blame even the devil. आप इस बात के लिए शैतान को भी दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, The devil made me do it. अरे शैतान ने मजबूर किया मुझे करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, the devil can never make you do anything कि शैतान कभी भी आपको किसी काम को करने से मजबूर नहीं कर सकता है। So don't blame the devil. So शैतान को दोष ना दे। I will tell you what the devil does. मैं आपको बताऊंगा शैतान क्या करता है। He will definitely tempt you. वो जरूर आके आपको परीक्षा में डालेगा। But he cannot make you do it. लेकिन आपको जबरदस्ती उस काम को करवा नहीं सकता है। Who does it? कौन करता है? You आप स्वयं करते हैं। Adam and Eve. आदम और हवा। Who tempted them? किसने उनको परीक्षा में डाला? शैतान। शैतान ने। Satan tempted them. शैतान ने उनको परीक्षा में डाल दिया। But who ate? लेकिन किसने खाया? Adam and Eve. Not Satan. शैतान नहीं। The one who ate was Adam and Eve. उस फल को जिसने खाया वो आदम और हवा था। Always remember that. हमेशा याद रखें। Definitely the devil will tempt you. हाँ, शैतान जरूर आएगा, आपको आकर्षित करेगा। That is his job. ये उसका काम है। But it is for me who claims to have Jesus living in me to overcome that temptation and tell the devil, get out of me. I belong to Jesus. लेकिन ये मेरे ऊपर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उससे डरता है इस बात को कहने के लिए कि शैतान मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे बात को नहीं सुनूंगा। Have that fear of God. परमेश्वर का डर आपके अंदर होने पाए। The second reason was, और दूसरा कारण यही था, You are not my wife. कि तुम मेरे पत्नी नहीं हो। यूसुफ ने कहा। Now, brothers and sisters, अब मेरे भाई और बहनों, you have no business to touch another man or touch another woman if that person is not your legally married husband or wife. आपका कोई काम नहीं है किसी और पुरुष या किसी और स्त्री को छूना अगर वो आपके पति या पत्नी नहीं है। Whether he left you or not. चाहे वो पति या पत्नी आपको छोड़ के चले गए हो या नहीं, even if he leaves you, चाहे वो छोड़ के चले भी जाए, और even if a wife leaves you, ले आपकी पत्नी आपको छोड़ के चले जाए, if that person is still alive, अगर वो व्यक्ति जीवित है, and not divorce has taken place, और तलाक नहीं हुआ है, you are a legal wife, आप तब भी उनके पत्नी हैं। That is what the Bible teaches. यही बाइबल सिखाती है। You have no right to touch another man. कोई अधिकार नहीं है किसी और को छूने के लिए। I fear God. परमेश्वर का भय खाना। And you are not my legally married wife. और तुम मेरे पत्नी नहीं हो। What happened? क्या हुआ? What did Joseph get? यूसुफ को इन सब से क्या मिला? And what did that woman get? और उस स्त्री को क्या मिला? I know what the woman got. मुझे मालूम है उस स्त्री को क्या मिला? The woman got a piece of Joseph's lungi. उस स्त्री को यूसुफ का एक कपड़े का टुकड़ा मिल गया। She kept it because Joseph ran away and she क्योंकि यूसुफ उनके सामने से भाग गया और वो कपड़ा वहां रह गया। Where is the resistance power today? और वो जो ताकत है सामना करना, वो ताकत कहाँ है आज she के दिन? She kept that lungi. I don't know what she did with that. मुझे नहीं मालूम उस स्त्री ने उस कपड़े से क्या किया। Of course she showed it to her husband. हाँ, उन्होंने अपने पति को जरूर दिखाया और झूठा दोष यूसुफ को दिया। You know what Joseph get? आप जानते हैं लेकिन यूसुफ को क्या मिला? Okay, Mrs. Potiphar get His लुंगी। हाँ, श्रीमती पोतिफर को उनको उनका लुंगी मिल गया। What did Joseph get? यूसुफ को क्या मिला? That is all via.
You know what Joseph got? आप जानते हैं अंत में यूसुफ को क्या मिला? He got the throne of Egypt. उसको मिस्र देश का सिंहासन मिल गया. He got the rulership. वो शासन करने का अधिकार मिल गया उसको. He became the prime minister. वो प्रधानमंत्री बन गया. For what? किस कारण से? Why? क्यों? Because he resisted sin. क्योंकि उसने पाप का सामना किया. You resist sin and you will be a ruler. आप पाप का सामना करें और आप अधिकारी बन जाएंगे. You yield to temptation. अगर आप परीक्षा में पड़ जाएंगे, you will be a slave. तो फिर आप गुलाम बने ही रहेंगे. Joseph was a slave. यूसुफ एक गुलाम था. And he resisted sin. उसने पाप का सामना किया. And he became the ruler. और वो शासक अधिकारी बन गया. Hallelujah. Hallelujah. Mrs. Potiphar was a ruler. और श्रीमती पोतीफर वो ऊंचे पदवी पर थी. She wanted to commit sin. और वो पाप करना चाहती थी. And she lost out. Her name is wiped out. लेकिन उनका नाम ही मिट गया. Fear God. परमेश्वर का भय खाए. And resist sin. पाप का विरोध करे. What is sin? पाप क्या है? Sin is everything that is contrary to the work and character of Jesus. और पाप हर एक वो बात है, कार्य है, जो यीशु के कार्य और सिद्धांतों के विरोध में होता है. That is sin. यही पाप है. You need to know the character of God. आपको परमेश्वर के चरित्र को जानना है. You need to know the work of God. आपको परमेश्वर के कार्य को जानना है. Where do you get it? आप कहां से मिलेगा आपको? God is not going to come with the revelation and give you. परमेश्वर किसी प्रकाशन को लेकर आपको हाथों में नहीं देगा. Because he's already revealed. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही सारे बातों को प्रकट किया है. In this book. इस पुस्तक में. In this book. इस पुस्तक में. So value this book. So इस पुस्तक को आप महत्व रखें. Young people, जवान लोग, if you can read, अगर आप पढ़ते हैं, read it, तो फिर जरूर पढ़ें. There you read the character of God. आपको परमेश्वर के चरित्र के विषय में पता चलेगा. The teachings of Jesus. परमेश्वर के शिक्षाओं का पता चलेगा. It reveals the character of God. परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है. Hallelujah. Hallelujah. The Ten Commandments. जो 10 आज्ञाएं हैं. Reveals the character of God. परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है. And all of the commandments. और जितने सारे नियम पाए जाते हैं. Shows the character of God. परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है. Amen. Amen. Thank God for this book. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पुस्तक के लिए. Glory to God. You know there was a woman lived in the 18th century. There lived a woman in England. और 18वें शताब्दी में इंग्लैंड में एक स्त्री रहा करती थी. A particular woman. एक विशेष एक स्त्री थी. Her name was Suzanne. उनका नाम सुजैन था. She gave birth to 19 children. उनके 19 बच्चे हुए. And 9 children died. उनमें से 9 बच्चों का मृत्यु हो गया. And when she died later on, और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, 2 more children died. 2 और बच्चे मर गए. So only 8 children were left. So सिर्फ 8 बच्चे बचे थे. This woman, ये स्त्री, I am talking now to parents. और इस समय मैं माता पिताओं से मैं बोल रहा हूं. Why your children are going astray? और क्यों आपके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं? You are Christians. आप मसीह हैं. Why your children are doing things that they are not supposed to? क्यों आपके बच्चे वो कार्यों को कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? Or parents, do you know what they are doing outside? माता पिता, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे बाहर क्या करते हैं? Because you are not doing what you are supposed to do. क्योंकि जो आपको करना चाहिए घर में आप वो नहीं कर रहे हैं. This woman, this mother, kept all her children on her knee. क्योंकि ये माँ जो है, एक-एक बच्चे को अपने घुटनों पर रखती थी. Face to face. और आमने-सामने. One by one. एक-एक करके. She would read the Bible. वो बाइबल को पढ़ती थी. And tell them about Jesus. And history. और उन बच्चों को यीशु मसीह के विषय में यीशु के कहानियां को बताती थी. Each one of his हर एक बच्चे को she had her on her knees.
हर एक बच्चे को अपने घुटनों पर रखकर समझाती थी। और आप कल्पना कर सकते हैं कितना व्यस्त होती थी ये माँ। They were not well-to-do family. और बहुत अच्छे आर्थिक रीति से बहुत अच्छा परिवार नहीं थे। They had to work hard. उनको बहुत मेहनत करना था। And yet, लेकिन फिर भी she would not sleep. वो कभी भी सोने नहीं जाती थी। Every one of them is given a training. इससे पहले कि हर एक बच्चे को वो कुछ सुनाती थी। And the two of them, उनमें से दो बच्चे are still alive. आज भी जीवित है। How? कैसे? Not physically, शारीरिक रूप से नहीं। But through the ministry they have accomplished. लेकिन उन्होंने जो सेवकाई की अपने जीवन में उसके द्वारा। One name is very familiar. एक नाम सब लोग जानते हैं। John Wesley. John Wesley. And the his brother, और उसका भाई Charles Wesley. Charles Wesley. These two sons became world famous. और ये दो पुत्र जो हैं पूरे विश्व भर में जाने गए. And they became founders of Methodist movement. और Methodist चर्च के वो संस्थापक बन गए. And John Wesley died in 1745. और John Wesley का मृत्यु He died at the age of 87. John Wesley का मृत्यु जो है 87 वर्ष में हुआ। By the time he died, और जब तक वो उनका मृत्यु हो गया, he left 79,000 people as followers. उनके पीछे चलने वाले करीब 79,000 लोग थे। In England. इंग्लैंड में and in America, और अमेरिका में another 40,000. 40,000 लोग throughout his ministry. उनके सेवकाई के द्वारा हा why कैसे when he was a child जब वो बच्चा था that mother वो माँ जो है whispered every story of Jesus यीशु के कहानियां को बार बार बताती थी mothers जितने भी माँ हैं are you doing your responsibility क्या आप अपने जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं There is no use blaming others. कोई फायदा नहीं है आप दूसरों को अगर दोष देते हैं. You blame yourself. आप अपने आप को दोष दें. And today, और आज 75 million all over the world are members of Methodist Church. और 7 करोड़ 50 लाख ऐसे सदस्य हैं Methodist Church के. His brother Charles, उसका भाई Charles Wesley, he was a poet. और वो एक कवि था एवरी डे प्रतिदिन ऑफ द ईयर वर्ष के ही वुड राइट वन पोएम ऑफ 10 लाइन एक कविता वो लिखता था 10 लाइन का फॉर 50 इयर्स 50 वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया सो मेक अ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई 365 बाय सो आप हिसाब लगा ले कि 50 गुना 365 दिन कितने कविताएं उन्होंने लिखे दैट वॉज हिज जॉब नॉट ओनली दैट न सिर्फ इतना ही वॉज अ थियोलॉजियन और धर्मशास्त्र में भी वो महान था ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर बहुत महान प्रचारक था लाइक हिज ब्रदर जॉन अपने भाई जॉन वेस्ली के समान एंड ही वॉज एन इवेंजेलिस्टिक प्रीचर एक सुसमाचार प्रचारक था एंड देन और फिर ही वॉज अ हिम्न राइटर वो गीतों को लिखने वाला व्यक्ति you know, था how many hymns he wrote? आप जानते हैं कितने गीत उन्होंने many लिखे of the hymns we sing here, और जितने भी भजन हम यहाँ पर गाते written हैं by Charles Wesley. और वो चार्ल्स वेस्ली द्वारा लिखे गए हैं he wrote 9,000 hymns. 9,000 भजन अंग्रेजी में उन्होंने लिखे हैं he was called hymn machine. और उनको भजन लिखने वाला मशीन कहा गया था 9,000 इज नॉट ईजी 9,000 भजन कोई छोटी बात नहीं है वाई क्यों द सीड वॉज सोन बाय द मदर वो बीज जो है वो माँ के द्वारा बोया गया था सीटेड दीज चिल्ड्रन ऑन हर नीज हर एक बच्चे को अपने घुटनों पर बैठा कर Do you at least sit with your children and read one chapter? क्या कम से कम आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बाइबल का एक अध्याय भी पढ़ते हैं? Many of our young people are engaged in wrong things today. ज़्यादातर हमारे जवान लोग गलत कामों में लगे हुए हैं. She said,
उस माँ ने कहा, One day John Wesley asked her, एक दिन जॉन वेस्ली ने अपने माँ से पूछा, When she was talking about sin, जब वो पाप के विषय में कुछ बोल रही थी, मामा, माँ, What is sin? पाप क्या है? You know what she said? आप जानते हैं उन्होंने उत्तर क्या दिया? Anything. ऐसे कोई भी बात that blocks the presence of God in your life is a sin. जो परमेश्वर के उपस्थिति को आने से रोकती है आपके जीवन में वही पाप है. I notice. मैंने ध्यान दिया. I want you to know. मैं बताना चाहता हूँ. Believers are different from unbelievers. विश्वासियों जो है वो अविश्वासियों से भिन्न है. इफ यू क्लेम टू बी अ बिलीवर, अगर आप दावा करते हैं कि आप विश्वासी हैं, यू आर डिफरेंट, तो फिर आप बिल्कुल भिन्न हैं. एंड डेयर टू बी डिफरेंट, और हिम्मत रखे भिन्न होने के लिए. अपीयर टू बी डिफरेंट, और अभिन्न आप दिखने लगे. दीस डेज आवर यंग पीपल गो आउट, दे आर सो स्केयर्ड that they don't want to be different, they want to be one among them. आजकल जो है जवान इतने डरते हैं दूसरे लोगों के बीच में, वो अलग नहीं दिखना चाहते हैं, उनके ही तरह दिखना चाहते हैं. That's the problem you are facing. यही समस्या है. They do not know, others, their friends do not know he is a follower of Christ. और उनके मित्र नहीं जानते हैं कि ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. Why? क्यों? I want to finish this. मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ. I noticed. मैंने ध्यान दिया. Many of you are using social media. आप में से बहुत लोग इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. What is the purpose of the using your social media? ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के पीछे उद्देश्य क्या है? What are you using it for? आप किस कारण से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? To promote yourself? क्या अपने आप को बढ़ावा करना चाहते हैं? To tell the world where you have been? संसार को बताना चाहते हैं कि आप कहां कहां गए? And with whom you have been? और किन किन लोगों के साथ आप रहे हैं? With the selfie picture? और एक सेल्फी के साथ. I am sitting in so and so theater. मैं के फला फला थिएटर में बैठा हूँ. With my friends. अपने मित्र के साथ. Is it what? क्या यही आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? I have seen. मैंने देखा है. I read. मैंने पढ़ा है. It broke my heart. और मेरा हृदय टूट गया. And I speak this with a heavy heart. और मैं एक भारी हृदय को लेकर इस बात को बता रहा हूँ. I could not believe. मैं विश्वास नहीं कर पाया. That someone sitting in this church week after week hearing the teaching. इसी कलीसिया में हफ्ता हफ्ता इस कलीसिया में बैठकर. Do not know the difference between what is common and what is uncommon. कि इस बात को जानते भी नहीं है कि सामान्य बात क्या है और असामान्य बात क्या है. Not a single of this WhatsApp I read, I am a follower of Jesus Christ. और WhatsApp में जो कुछ भी मैंने पढ़ा, उसमें से एक भी नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं. What are we called for? हम किस लिए बुलाए गए? We are special people of God. हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं. For what? किस लिए? To proclaim who Jesus Christ कि is. हम घोषणा करें कि यीशु मसीह कौन है. The greatness of Jesus. परमेश्वर के महानता को. The glory of Jesus. परमेश्वर के महिमा को. The eternity of Jesus. परमेश्वर के अनंत काल को. The purpose of God in your life. परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन Do you में. Declare आप इन बातों का घोषणा करें. Do you promote the name of Jesus by using your social media? क्या अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप यीशु मसीह को महिमा देते हैं? Parents, माता पिता, are you watching all these? क्या आप ये सब देख रहे हैं? Your children are doing it. आपके बच्चे ये सब काम कर रहे हैं. And you are supporting. और आप उनको सहयोग दे रहे हैं. And what broke my heart? और मेरे हृदय को कैसे टूटा? The comments given. उसके बाद जो कमेंट मैंने देखे, Elders, जो कलीसिया के बड़े अगवे लोग हैं, शाबाश, बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो, व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं. इट टच्ड माय हार्ट हेवी, और मुझे बहुत चोट पहुंचा. फॉरगेट अबाउट मी, मेरे विषय में छोड़ दे. Think of Jesus. आप यीशु के विषय में सोचें. You know what you are doing to Jesus? आप जानते हैं आप यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? He is bleeding. वो फिर से उनका लहू बह रहा है. वो चोटित फिर हो रहे हैं. Because we are crucifying him. क्योंकि हम फिर से उनको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं. Again and again. बार बार हम उनको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं. You do not know. आप नहीं जानते हैं. What the price he paid. जो कीमत यीशु मसीह ने चुकाया. Being God. परमेश्वर होने के नाते. From heaven he came.
came down. और वो स्वर्ग से नीचे उतर आए. Took upon himself a body. अपने ऊपर एक शरीर का देह धारण किया. For what? किस कारण से? The judgment of God and the condemnation of God upon sin should have come upon us. क्योंकि परमेश्वर का न्याय, पाप का दंड हमारे ऊपर आना चाहिए था. But he gave his body. लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे दिया. And all the condemnation. सारा दंड जो है. All the judgment of God upon sin. परमेश्वर का न्याय पाप के ऊपर सब यीशु मसीह के ऊपर आ गया. यीशु मसीह के देह को तोड़ दिया. अपने लहू को बहाया. और अपने लहू से यीशु मसीह ने आपको खरीदा. That is not a small price. ये कोई छोटी कीमत नहीं है. And then he sealed you with his Holy Spirit. और फिर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर अपने मोहर को लगा दिया. And now you are the body of Jesus Christ. और अब आप यीशु मसीह के देह हैं. And your body is the temple of the Holy Spirit. और आपका देह परमेश्वर का मंदिर है. How could we do this? हम ये सब काम कैसे कर सकते हैं? Does Jesus come after you? क्या यीशु मसीह आपके पीछे आएंगे? No. नहीं. He doesn't react. यीशु मसीह कुछ नहीं करेंगे. He doesn't argue with you. और आपके साथ बहस भी नहीं करेगा. He didn't insist you. वो जबरदस्ती भी नहीं करेगा. He doesn't force you. परमेश्वर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा. You know the truth. क्योंकि आप सत्य को जानते you हैं. Read the Bible. आप बाइबल को पढ़ते you हैं. Sit in the church आप कलीसिया में हर हफ्ता you आके बैठते हैं. आप परमेश्वर के वचन के प्रचार को सुनते We हैं. Have no time to come to Bible study. हमारे पास कोई समय नहीं है बाइबल अध्ययन में आने के लिए. हमें कलीसिया के लिए कोई समय नहीं है. We tried our best, हमने बहुत कोशिश किया. But only few people come. लेकिन कुछ ही लोग आते Why? हैं. क्यों? We have all the time to go and sit in places where we are not supposed to. हमारे पास बहुत समय है ऐसे स्थानों में बैठने के लिए जहां हमें बैठना नहीं चाहिए. You don't see Jesus physically. आप यीशु मसीह को शारीरिक रूप से नहीं देखते हैं. But I pray that you will have a spiritual eyes to see. लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि आपके आत्मिक आंख होंगे यीशु को देखने के लिए. Through the pages of the Bible. इन बाइबल के पन्नों के द्वारा. When you sin. जब आप पाप करते हैं, you are crucifying the Son of God again. आप यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा And रहे हैं. You are trampling upon the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के ऊपर अपने पैर को रखकर कुचल रहे हैं. I am quoting the scriptures. मैं वचन को बता रहा हूँ. If I don't tell you this, अगर मैं आपको ये बातों को ना बताऊँ, that means I don't love you. इसका मतलब मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ. Because I don't care what happened. क्योंकि मैं चिंता नहीं करता कि आपके साथ क्या But होता I am है. Shouting this to you. लेकिन मैं चिल्ला इस बात Because को बोल रहा हूं you. क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं. क्योंकि जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहूंगा मुझे लेखा देना है क्योंकि मैं आपके लिए जिम्मेदार हूं. मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस बात को बोले कि पास्टर मथाई ने ये सब बातें हमें नहीं बताया. दुख की बात यही है और बहुत भारी हृदय से इस बात को बोलता हूं. The devil is using the social media very effectively. शैतान जो है बहुत अच्छे से इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं. And I am sad to say. और दुख की बात यही है. Knowingly or unknowingly. जाने या अनजाने में. Many believers are contributing to the cause of the devil. बहुत से विश्वासी शैतान के बातों को बढ़ावा देने में सहयोग दे रहे हैं. At least from now on. कम से कम इस समय से लेकर नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम शुड मेक इवन अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति इस बढ़ावा को सहयोग ना दे. आई एम सॉरी आई मे साउंड ब्लंट. और मुझे दुख है और माफ कीजिएगा हो सकता है ये बातें आपको कठोर लगे. बट आई एम हर्ट. लेकिन मुझे बहुत चोट पहुंचा है. As your spiritual father, आपके आत्मिक पिता होने के नाते I am hurt. मुझे बहुत चोट पहुंचा Because है. If I have not taught you properly, क्योंकि अगर मैंने सही से आपको शिक्षा नहीं दिया I है pray that God will forgive me. तो मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे. We are completely ignoring
the doctrine of separation. क्योंकि ये जो सिद्धांत है अलग होने का हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं. As we don't care what Jesus taught. जैसे कि हम परवाही नहीं करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया है. This modern cinema. ये जो आजकल का जो सिनेमा है. The celebrities. और जितने भी हीरो हीरोइन हैं. Who are the actors? और जितने भी एक्टर्स हैं. How can we, who are bought with the precious blood of Jesus Christ, हम जो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं, and sealed by the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा द्वारा मोहर लगाया गया है, promote this cinema by buying a ticket and going and sitting in the theater. इस सिनेमा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इस पैसों को खर्च करके टिकट खरीद के जाकर देखने के लिए. And young people are going after. और जवान लोग उनके पीछे जा रहे हैं. You know what? आप जानते हैं कि If I ask one of these young children, अगर मैं इन छोटे बच्चे किसी बच्चे से पूछूं to name some of the cinema actresses, कि इनके नाम बताओ जो हीरो और हीरोइन है, they will recite it very nicely. वो लोग बहुत जल्दी एक एक करके नाम बताएंगे. I can't even say one name. मुझे एक भी नाम याद नहीं. But these children know, our children. लेकिन हमारे बच्चे विश्वासी बच्चे वे जानते हैं. Christian children. मसीही बच्चे. Children who come to church and Sunday school. जो Sunday school में आते हैं. But you ask them, do you know Ruth? लेकिन अगर आप उनसे पूछे क्या तुम रूथ को जानते हो? I say, Ruth. Ruth कौन है? ये कौन है? Do you know Esther? क्या Esther को जानते हो? You ask them. आप पूछे उनसे. Can they recite the books of the Bible? क्या बाइबल के पुस्तकों को बिना देखे बता सकते हैं? You ask them who Daniel was. आप उनसे पूछे दानियल कौन था? You ask them what song David used to sing. आप उनसे पूछे दाऊद कौन कौन से गीत गाया करते थे? They don't know. वे नहीं जानते हैं. But you ask them to sing one of these. लेकिन किसी पिक्चर का गाना गाने बोले. क्या नाम है भाई? One so and so song. Oh, itna pyara singing hai kare ka. That our children know. और जितने भी प्यार भरे गीत हैं वो सब हमारे बच्चे जानते हैं. Our young people know. हमारे जवान लोग जानते हैं. But they don't know who Malachi is. लेकिन वो नहीं जानते कि मलाकी कौन है. Do you know the gospel according to Saint Malachi? क्या मलाकी का सुसमाचार कोई जानता है? You don't know. आप नहीं जानते हैं. But if I ask you, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, Do you know SRK? क्या आप SRK को जानते हैं? Who is SRK? SRK कौन है? हाँ? कौन है? बताइए. अरे बोलो, no problem. कोई बात नहीं, आप बताइए. SRK हाँ? शाहरुख खान. शाहरुख खान. शाहरुख खान. यू नो शाहरुख खान? अरे ये मेरा फेवरेट एक्टर है. रिमेंबर वी आर क्रिश्चियन. याद रखे हम मसीही लोग हैं. व्हाट आर वी? हम क्या हैं? प्रियंका कैनॉट बी कंपेयर्ड विद वन ऑफ यू. और प्रियंका चोपड़ा का तुलना आप में से किसी एक से भी नहीं किया जा सकता है. You are more than Priyanka. आप प्रियंका से भी बढ़कर हैं. You are greater than Priyanka. आप प्रियंका से भी बढ़कर हैं. You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं. The King of Kings. जो राजाओं का राजा है. It is sad to see that our children are familiar with all the actors and actresses and their song they sing and what the activities are all we know, but we do not know who Mordecai is. We don't know who Ruth is. We don't know who Esther is. We don't know who Daniel is. Our children do not know. और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे जो है सारे हीरोइन और हीरो के नाम जानते हैं और उनके सारे गीतों को जानते हैं, लेकिन बाइबल में मोर्दकाय कौन है, रूथ कौन है, मलाकी कौन है, ये सब नहीं जानते. Hates sin. परमेश्वर पाप से घृणा करता है. But he loves sinners. लेकिन पापियों से प्रेम करता है. That is our role. यही हमारा परमेश्वर है.
Now my question is, अब मेरा सवाल यही है, when you buy a ticket, जब आप एक टिकट खरीदते हैं and sit in theaters, और पिक्चर हॉल में जाके बैठते हैं, you are supporting, तो फिर आप सहयोग दे रहे हैं something of the devil, शैतान के कार्य को सहयोग दे रहे हैं. And if you want to do it, अगर आप करना चाहते हैं, God is not going to, परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं. No. नहीं. But I am pleading with you. लेकिन मैं विनती करना चाहता हूँ. Both young people, जवान लोग, and children, और बच्चे, make sure you don't fall into the trap. आप निश्चय कर ले कि शैतान के युक्तियों में, उसके जाल में आप ना फंसे. सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग. सोशल मीडिया एक अच्छी बात है. बट यूज इट फॉर समथिंग गुड. लेकिन उसको किसी भले कार्य के लिए इस्तेमाल करें. प्रमोट जीसस. यीशु मसीह को बढ़ावा दे. प्रमोट योरसेल्फ एज अ फॉलोअर. अपने आप को बढ़ावा दे यीशु मसीह के चेले के तरह. एंड विटनेस टू अदर्स. और दूसरों को गवाही दे. एंड इन द नेम ऑफ जीसस. और यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. Hallelujah. The Bible say. Bible कहती है. I want you to open your Bibles to Philippians chapter 3. फिलिपियों उसका तीसरा अध्याय खोले. We are going to read this verse. इस पद को पढ़ के. And then we will stand. और फिर हम खड़े हो जाएंगे. And read from 2 Peter. और फिर दूसरे पत्रस से पढ़ेंगे. Then we will close in prayer. फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे. I pray that you would take it in the spirit of God. और मेरी प्रार्थना यही है कि इन सब बातों को आप परमेश्वर के आत्मा में आप सही तरीके से लें. Because I have not spoken anything of my own. क्योंकि मैंने खुद के अपने शब्द कुछ नहीं बोले हैं. I have conveyed to you what the Bible teaches. मैंने आपको सिर्फ वही बातों को बताया है जो बाइबल सिखाती है. Then, the world's way. इस संसार के तौर तरीके. Philippians chapter 3 verse 19. फिलिपियो तीसरा अध्याय और 19 पद. Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुने. हाँ. उनका अंत विनाश है. Yes. उनका ईश्वर पेट है. हाँ. वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं. वे अपनी लज्जा के बात पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखे. या दैट विच इज शेमफुल. वे जो लज्जा की बात है, दे आर प्राउड ऑफ, उस पर वो घमंड करते हैं. व्हाट डू दे डू. वे क्या करते हैं. दे डोंट माइंड. दे आर नॉट अशेम टू रिमूव ऑल देयर क्लोथ्स. और उनको शर्म भी नहीं आता है सारे कपड़ों को उतारने के लिए. एंड पैरेड देमसेल्व्स. और अपने आप को आगे लाने के लिए. एवरीथिंग इज एक्सपोज टू द वर्ल्ड. सब कुछ खुला हुआ है दुनिया को देखने के and लिए. व्हाट एक्टिविटीज दे डू. और उनके कार्य क्या है. मेन विद मेन एंड वुमेन विद. पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ. द बाइबल सेज. बाइबल कहती है. इट इज अ कर्स एंड एन अबोमिनेशन टू गॉड. ये एक श्राप है परमेश्वर के दृष्टि में. एक श्राप है. व्हाट इज अ कर्स टू गॉड इज अ कर्स टू मी. और जो परमेश्वर के लिए श्राप की बात है वो मेरे लिए होना चाहिए. And they feel very proud about it. और फिर वे लोग अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं. No marriage. कोई विवाह नहीं. But live together. लेकिन एक साथ रहते हैं. Produce any number of children. और जितने चाहे बच्चा पैदा करते And हैं. Whenever one wants to walk away, you walk away. और जब किसी को मन करे छोड़ के चले जाए. That is all right. सब ठीक है. सो द अदर पार्टनर आल्सो वॉक. सो दूसरा व्यक्ति भी अपना रास्ता चले जाते हैं. ओपनली. खुले आम. एंड इट ऑल कम्स आउट इन बिग प्रिंट मीडिया. और ये सब बड़े बड़े खबर छप जाते हैं. दैट विच इज शेमफुल. उन सारे बात जो लज्जा की है. नाउ लेट अस स्टैंड विथ योर बाइबल्स ओपन. अब सब लोग खड़े हो जाएं, अपने बाइबल को खोलें.